नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के थाना अराओ में तैनात एसआई दिनेश मिश्रा की विगत दिन गोली मारकर हत्या हो गई थी, जिसका पुलिस ने शनिवार को घटना का खुलासा कर दिया। पैसे के लालच में नौकर ने ही हत्या की थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा को भी बरामद कर लिया है। गुरुवार की शाम फिरोजाबाद जिले के थाना अराओ में तैनात एसआई दिनेश कुमार मिश्रा की एक गांव से विवेचना कर लौट रहे गांव चंद्रपुरा के निकट गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद से पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिनेश कुमार मिश्रा का नौकर धीरज शर्मा उर्फ प्रवीण पुत्र स्वर्गीय रामबाबू शर्मा निवासी कालिंदी भिया फेज 3 थाना ट्रांस यमुना जिला आगरा को गिरफ्तार कर लिया। साक्ष्यों को जुटाने के बाद शनिवार को मामले का राजभाष किया गया। एसपी ग्रामीण रविजय सिंह ने बताया कि हत्या का पर्दाफाश करने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें टीमों ने गहनता से जांच की, जिसके बाद नौकर धीरज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। नौकर ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह मूल रूप से ग्राम नगला केवल का थाना कंथरी थाना सुखाबाद जिला फिरोजाबाद का निवासी है। उसके पिता पुलिस विभाग में एसआई के पद से रिटायर हुए थे, जिन्होंने आगरा के कालिंदी बिहार में मकान बनवाया हुआ था। वह दिनेश मिश्रा के खाना कपड़े आदि धोना के कार्य करता था। जब उसने बेटी के किताब के लिए रुपए मांगे तो दिनेश शर्मा ने नहीं दिए, जिससे उसने दिनेश कुमार मिश्रा की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कब्जे से तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। तो देखते रहिए C20 न्यूज़। देखिए, 3 तारीख को रात्रि लगभग 8 बजे हमारे यहाँ थाना अराओं पर तैनात सब इंस्पेक्टर दिनेश मिश्रा जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बहुत ही एक जघन्य अपराध घटित हुआ था और मैं समझता हूँ कि फिरोजाबाद पुलिस के लिए रिसेंट टाइम्स में वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजेस वाली ये घटना घटित की गई थी। सूचना मिलने के तुरंत बाद हमारी पूरे जनपद के सभी अधिकारी SSP महोदय स्वयं सभी लोग और उसके बाद हमारे रेंज स्तरीय अधिकारी सभी लोग वहाँ मौके पर पहुँचे और तत्काल हम लोगों ने घटना की सूचना के बाद उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया था, जहाँ उनकी ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था। इस घटना में हमारे पूरे जनपद की टीम लगाई गई, 4 टीमें हमारी लगातार काम कर रही थी, उसमें CO सिरसागंज, SHO अराओं, हमारी जो क्राइम पे काम करने वाली टीम SHO रामगढ़, SHO मक्खनपुर, SHO शिकोहाबाद, जितने हमारे इम्पोर्टेंट हमारी टीम्स बनाई जा सकती थी हम लोगों ने बनाया और इस पर लगातार काम होना शुरू हुआ। अंततः हम लोगों ने इस घटना को आज वर्कआउट किया है। उस दिन 3rd को सब इंस्पेक्टर जो हमारे दिनेश मिश्रा जी थे उनके साथ एक व्यक्ति जो उनके साथ काम कर रहा था उनके घर पर, उनकी व्यवस्थाएं देखता था, उनके घर का काम काज उनके साथ आ रहा था और उसी ने आउट ऑफ एंगर किसी बात को लेकर उसने धोखे से उनके ऊपर गोली चलाई, जिससे उनकी डेथ हो गई। हम लोगों ने जब उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की बहुत सघनता के साथ, तो इनिशियली उसने बहुत सारी बातें बताई और जो लोग मौके पर पहले पहुँचे थे उन लोगों को जो बातें बताई और जो वहाँ पे घटनास्थल पे जो हमारे एविडेंसेस मिले उसमें काफ़ी डिफरेंसेस थे, तो हम लोगों ने बड़े सघनता के साथ इससे पूछताछ की और बाद में उसने स्वीकार किया और उसके बाद जो घटना में प्रयुक्त असलाह था उसको भी इसने बरामद कराई। इस प्रकार इस घटना को उनके साथ चलने वाला व्यक्ति, उनके साथ रहने वाला व्यक्ति ही कारित किया, जिसका नाम धीरज शर्मा है और उसी ने इस घटना को अंजाम दिया था। हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया है, असलाह की बरामदगी हुई है और बाकी इसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं।